फरीदाबाद जिले के विधायक नीरज शर्मा सोमवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अयोध्या पहुंचे और वहां पर भगवान राम के मंदिर में माथा टेकते हुए अपने प्रण के पूरा होते ही दोबारा वस्त्र धारण किए। जानकारी के लिए आपको बता दें, फरीदाबाद नगर निगम घोटाले के जिम्मेदार भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विधायक NIT फरीदाबाद नीरज शर्मा ने 22 मार्च को सिले हुए वस्त्र और जूतों को त्याग दिया था। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर हरियाणा विधानसभा में घोषणा की थी कि जब तक नगर निगम फरीदाबाद में हुए 200 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वह न जूते पहनेंगे और न ही सिले हुए वस्त्र। जिसके बाद घोटाले के मास्टरमाइंड चीफ इंजीनियर दौलतराम भास्कर की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ठेकेदार सतबीरा की गिरफ्तारी के बाद ही समर्थकों का दबाव था कि शर्मा वस्त्र और जूते धारण करें, लेकिन नीरज शर्मा ने इनकार कर दिया था। वहीं भास्कर की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों का यह दबाव और बढ़ गया था। आपको बता दें, इस बीच 51 दिन तक विधायक नीरज शर्मा नंगे पांव बिना सिले वस्त्र पहने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद उन्होंने बीते सोमवार को अपने आराध्य भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सिले वस्त्र और जूते फिर से पहनने का निर्णय लिया और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में विधायक नीरज शर्मा ने महंत कल्याण दास का आशीर्वाद लेकर सिले हुए वस्त्र धारण किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका यह धर्मयुद्ध लगातार जारी रहेगा। वह इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, हर महकमे में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। विधायक नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि सरकार पर नैतिक दबाव भी बनाया, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद है कि भ्रष्टाचारी इस मामले से सबक लेकर सुधर जाएंगे। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि विधायक नीरज शर्मा की तपस्या रंग लाएगी और हरियाणा में भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आएगी। आज यहां पहुंचे हैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद नीरज शर्मा जी वस्त्र धारण किए हैं और इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी मौजूद हैं। कैसा रहा, मतलब ये फैसला क्यों करना पड़ा नीरज जी, पिछले लगभग 51 दिन से लगातार? देखिए, मेरा विधानसभा में संकल्प था कि सरकार एक चूहिया को भी भ्रष्टाचार में अंदर देगी तो मैं ये वस्त्र भी धारण करूंगा, जूते चप्पल भी पहनूंगा। तो परसों चीफ इंजीनियर 52 दिन बाद गिरफ्तार हुआ। हालांकि मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने 5 दिन पहले जब मैं बीमार हुआ, अस्पताल में हुआ, तो मैंने अर्जी श्री राम प्रभु के चरणों में लगाई कि हम जब भी आएंगे और यहाँ अयोध्या नगरी में जाकर वस्त्र और जूते लेंगे। और परसों जैसे ये हुआ और परिवार का दबाव था, खास तौर से हमारे सांसद साहब का, कि नीरज बहुत जगह जाना है, नंगे पैर संभव नहीं है, और सांसद साहब ने कहा नहीं तू आज ही चल। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन था और यहाँ बजरंगबली का हमने आशीर्वाद लिया, रामलला जी के दर्शन करे और हमने शुभकामना भी करी कि आने वाले समय में दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, हमारे हरियाणा के भविष्य को संवारे। जय सियाराम, और जय सियाराम। राम प्रभु की नगरी में आके जो आशीर्वाद लिया है, हमारे हरियाणा को दीपेंद्र हुड्डा जी राम राज्य की तरह चलाए। बाकी जो भी बात है हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बताएंगे। दीपेंद्र जी, हरियाणा में बहुत भ्रष्टाचार है, पटवारी से लेकर और ऊपर IAS अधिकारी तक लगातार बड़े बड़े घोटालों में नाम आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, हालांकि हम एक ऐसी धार्मिक राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। हरियाणा जो बेरोजगारी में नंबर एक था, भ्रष्टाचार में नंबर एक पहुंच गया, एक के बाद एक से घोटाले, कोई खनन घोटाला, कोई शराब घोटाला, कहीं माइनिंग से जुड़ा हुआ की बात है तो कहीं रजिस्ट्री का घोटाला है, कहीं फरीदाबाद निगमों में जो घोटाले हुए, मगर फरीदाबाद का निगम का घोटाला अपने आप में पूरे देश में एक ऐसी आवाज गई कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ, जहाँ अधिकारियों ने करोड़ों रुपए डकार लिए और काम तक नहीं कराया, केवल फाइलों में तक काम रह गया, घरा तक कोई काम नहीं था। इसके खिलाफ अगर यदि किसी ने बिगुल बजाया और आवाज उठाई तो मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जो विधायक NIT से पहली बार चुनके गए थे नीरज शर्मा जी ने वो आवाज उठाई, और न सिर्फ आवाज उठाई, एक निर्णायक लड़ाई और संघर्ष की चेतावनी सरकार को दी। और उसके बाद सिले हुए वस्त्र
त्यागते हुए विधानसभा के अंदर भी पहुंच गए। ये एक ताकत, एक आत्मिक बल केवल ईमानदारी के संघर्ष के साथ आता है, और इसके लिए जो इनकी पूरी टीम है मैं उनको भी बधाई देता हूं। कहीं ना कहीं उनके उनका जो साथ था, आशीर्वाद था, उससे भी आत्मिक बल मिला और नीरज जी पहुंचे विधानसभा के अंदर भी पहुंच गए। हालांकि सत्ता भवन में चूट लोगों को जवाब चुभी, उनपे इस प्रकार की टिप्पणियां हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो जो संघर्ष था वो अपने संघर्ष पे अपने रास्ते पे कायम रहे और आज एक बहुत बड़ी जीत, ये पहली जीत है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है, मगर पहली कार्रवाई हुई है। अभी आगे और लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हरियाणा के अंदर रास्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें नीरज जी का एक बहुत बड़ा एक भूमिका रहने वाली है। इसीलिए हम सब ने आग्रह किया कि आप ये जो बस ट्रेन का आपका संकल्प था, ये गिरफ्तारी तक था, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आप जो है आगे की लड़ाई के लिए अपने जो है अपने आगे की लड़ाई के लिए आप आगे आए। तो आज इतने शुभ अवसर पर, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज यहाँ पर रामलला जी के मेरे दर्शन हुए हनुमान गढ़ी में, और जो है बजरंगबली के आगे नतमस्तक होने का हमें शुभ अवसर मिला। तो मैं इस अवसर पर नीरज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सब आगे की लड़ाई आगे की रूपरेखा। नीरज जी, जो हमारे एमपी साहब बोलेंगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बोलेंगे, भाई नीरज शर्मा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, जय श्री राम की जय, मान की।